नए आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, भाईजान हमारे सामने हैं, तो पूरी टीम मतलब एक अच्छी फिल्म बनी है और दुआएं देने आया हूँ। इस फिल्म का मैं म्यूज़िक दिया हूँ, संजय शर्मा मेरा नाम है। इतना ही कहूँगा कि गाने बहुत अच्छे, मेलोडी बने हैं और पूरी टीम का साथ है। और जहाँ तक कुबेर सर का बात है, इन्होंने बहुत मेरे साथ में मेहनत की है और मेरी टीम में सबसे ज़्यादा मेरे सिंगर्स जो है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द टीम। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है एंड फॉर द सेकेंड मूवी ऑल्सो इससे अच्छी काम करके दूंगा, पक्का कन्फर्म। जो मैंने किया है बस वो तो फैसला जो पब्लिक करेगी ना क्या किया है, बाकी जो है सिंगर्स और अली साहब आए हैं यहाँ पर, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ तक आए और इस यहाँ पे शोभा बढ़ाई इस महफिल की, तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। फिल्म डायरेक्ट तो ज़रूर की है, लेकिन जिस जब कुबेर जी मेरे पास आए थे और इस फिल्म को बोला था कि ये आप डायरेक्ट करो, तो काफ़ी मुश्किलें आई थी फिल्म को बनाने में, जो आपको पता है एक मीडियम साइज माइक्रो बजट मूवी को बनाने में कितना समय लगता है। लगता है एज अ डायरेक्टर से बड़ा एक प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है इस तरह के पिक्चर को इस लेवल पे ले आना, जो बहुत कम लोग ही यहाँ तक ले आते हैं। फिल्म अच्छी बनी है, सस्पेंस है, सब कुछ है, लेकिन इस पिक्चर को यहाँ तक लाने में मेघा से कुबेर जी का बहुत बड़ा हाथ है। भाई ठीक है, आप मेरे को जब तक रिसोर्स देंगे नहीं मैं क्या करूँगा, वो ठीक है मैं अपना विजन ला सकता हूँ, सब कुछ ला सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुबेर जी को एंड ऑफ द डे थैंक्स करना चाहिए। टुडे वी आर हियर फॉर लॉन्चिंग म्यूज़िक लॉन्च ऑफ ये है गद्दार दिल, नाम से गद्दार दिल है लेकिन गाना उतना ही प्यारा है। संजय शुक्ला जी ने बहुत अच्छा किया है गाना और इट वॉज रियली फैंटास्टिक वाइल सिंगिंग। और इस मूवी के लिए मैं कुबेर अत्री जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है और बहुत सक्सेस करें, ये मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके लिए और पूरे प्रोडक्शन टीम के लिए। मेरी निगाहें तुझको ही चाहे, तू ही सनम मेरी सांसों में है, एक बार तुझसे मिल भी चुकी हूँ, तू ही सनम मेरी सांसों में है। साथ में जुड़ा था तो आई थिंक कि पत्थर के महबूबा में शायद मैं काम करूं, क्योंकि अगर उनको मेरी एक्टिंग पसंद आएगी तो वो शायद ज़रूर मौका देंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक एक्टिंग का मंच है, अगर एक्टिंग अच्छा करूंगा, अपना एक हुनर का प्रदर्शन अच्छा करूंगा तो शायद मुझे मौका मिलेगा। बट ये है गद्दार दिल के बारे जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स का सब्जेक्ट है और काफ़ी बेहतरीन शूट हुआ है, DOP काफ़ी बहुत बेहतरीन एंगल्स, बहुत सारे मतलब काफ़ी खूब बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है। तो मेरी बस यही है कि ये है गद्दार दिल को बहुत सारी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं कि काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन करें, एक मार्केट में बहुत अच्छा एक नाम बनाए, और अपने आने वाले फिल्म पत्थर की महबूबा के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्थर की महबूबा एक आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट है, तो काफ़ी बेहतरीन शूट करेंगे उसको। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक्स फॉर हैविंग मी, आप लोगों ने इस कदर मुझे प्यार दिया कि आपने मुझे मतलब ऐसा समझा कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, सो आई एम सो हैप्पी। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों ने, पूरी टीम ने मुझे लाइक बुलाया, तो ऑफकोर्स कि थैंक यू के अलावा तो और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ और अभी फिल्म्स का भी अभी चल रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन, जब तक होता नहीं है तब तक तो कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट ऑफकोर्स TV भी है, फिल्म भी है और अभी एक बहुत बड़ा धमाका भी होने वाला है जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो या बहुत ही अच्छा है पत्थर की महबूबा, तो ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर हॉरर रहेंगी और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी बनने वाली है, कॉन्सेप्ट मेरा है काफ़ी अच्छा है और इसीलिए मैं इसमें भी प्रेजेंटर में जुड़ा हूँ। और यह है गद्दार दिल का, मैंने पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे काफ़ी पसंद आई इसलिए मैं शुरू से जुड़ा हूँ, तो हम सेकंड मूवी भी आज अनाउंस कर रहे हैं सर।